नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑटोज ब्लॉग के वीडियो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और अब मैं आपके लिए ऑटो एक्सपो 2020 के फर्स्ट पब्लिक डे से एक नई गाड़ी का वीडियो लेके आया हूं जो अभी अभी लॉन्च हुई है। दोस्तों ये है 2020 मारुति इग्निस फेसलिफ्ट। मारुति ने अपनी क्रॉसओवर इंस्पायर्ड हैचबैक को एक नया रूप देने की कोशिश करी है। इसमें थोड़े बहुत स्टाइलिंग अपडेट्स आए हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तो कुछ भी नहीं है। मैकेनिकली ये गाड़ी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ कुछ स्टाइलिंग टचेस नए दिए गए हैं इसको। और अपने इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के वॉक अराउंड के साथ साथ इसको पुरानी वाली जो इग्निस है, जो प्री फेसलिफ्ट मॉडल है, उससे कंपेयर करके भी बताऊंगा कि इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं मेरे एक्सपो के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वॉक अराउंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में काफ़ी फ्रेशनेस है क्योंकि इसको एक नया बम्पर मिला है। पुराने बम्पर पे यहाँ पे हनीकॉम लोअर ग्रिल थी, इसमें आपको एक फॉस किट प्लेट मिली है जिसके जैसे थोड़ा सा ये बोल्डर है, थोड़ा एसयूवी वाला टच थोड़ा और एम्पलीफाई हो जाता है इसका। यही नहीं, ग्रिल भी नहीं है, ये ऑल न्यू ग्रिल है जो कि आप कह सकते हैं जो जिमनी या ब्रेजा है कुछ कुछ उसके जैसी दिखती है। तो पहली जो गाड़ी थी उसमें हनीकॉम ग्रिल आती थी और बीच में एक क्रोम स्ट्रिप आती थी, इसमें आपको टूथेड ग्रिल मिला है और हेडलैम्प्स वही हैं, पुराने वाली गाड़ी वाले ही हेडलैम्प्स हैं। टॉप मॉडल जो इसका है अल्फा मॉडल जो है उस पर आपको यू शेप्ड एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं। और यही नहीं, कलर्स भी कुछ नए आए हैं इसमें, ये ऑरेंज कलर फॉर एग्जांपल नया है। और अगर हम साइड की बात करें तो साइड में कुछ खास चेंज नहीं है, साइड से ये गाड़ी देखने में अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। इसको अल्फा और जीटा ट्रिम में वही अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं ब्लैक पेंटेड जो पुरानी गाड़ी में आते थे। अभी भी जो सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट्स हैं उसमें स्टील व्हील्स ही आ रहे हैं। कुल मिला के अगर बात करें हम साइड प्रोफाइल की तो साइड हैज बीन टोटली अनचेंज्ड एंड नाउ लेट अस गो टू द रियर एंड टेल यू कि पीछे आपको क्या क्या नया मिल रहा है। तो फाइनली अगर हम रियर की बात करें तो रियर में दो बड़े चेंजेस हैं। एक तो ये कि इसका जो बम्पर है आगे वाले बम्पर की तरह पीछे वाला बम्पर भी नया है, इसमें भी आपको एक फॉस किट प्लेट मिल रही है जिसकी वजह से पीछे का लुक भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो गया है पहले वाली गाड़ी से। और यही नहीं, टेल लैम्प्स भी अपडेटेड है, ओवरऑल शेप तो वही है बट अंदर का जो इनका मोटिफ है वो हल्का सा अपडेट हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से इसको एक नया लुक मिल जाता है इस गाड़ी को। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पुरानी वाली इग्निस में अल्फा और जीटा दोनों ही मॉडल में स्पॉइलर ऑप्शनल था, एक एक्सेसरीज लिस्ट का पार्ट था जिसके लिए आपको 5000 रुपये और देने पड़ते थे। बट इस बार मारुति ने जीटा और अल्फा ट्रिम पे स्पॉइलर को स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का पार्ट बना दिया है जो कि एक वेलकम एडिशन है। और फाइनली अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर मोर और लेस एग्जैक्टली वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया है, सेम कलर थीम्स है, सेम अपहोल्स्ट्री है। सिर्फ एक चेंज आया है इसमें जो इसका अल्फा ट्रिम का, पहले इग्निस में आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिलता था जो कि एक बॉश सोर्स यूनिट था, अब आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो यूनिट मिलता है जो कि एक क्लेरियन सोर्स यूनिट है। और इसके जो ग्राफिक्स हैं, जो इसके इंटरफेसेस हैं वो चेंज है, थोड़े से ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हैं। तो इंटीरियर में सिर्फ और सिर्फ यही चेंज है, मैकेनिकली कोई भी अंतर नहीं है। पुरानी गाड़ी की तरह अभी भी ये गाड़ी सेम 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है जो भी 83 पीएस और 113 एनएम बनाता है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि पहले ये BS4 कंप्लायंट इंजन के साथ आती थी, अब ये BS6 कंप्लायंट हो गया है। तो दोस्तों ये तो था हमारा मारुति इग्निस फेसलिफ्ट वर्सेस प्री फेसलिफ्ट मॉडल का एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऑटो एक्सपो में मौजूद किसी और गाड़ी का भी वीडियो करें आप वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फाइनली मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और बेल आइकन दबाएं मेरे एक्सपो के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और मुझे पूरी आशा है कि मैं अपने एक्सपो के अगले वीडियो में भी आपसे एक बार फिर से मिलूंगा।